Now another example based on previous discussions. Previous case में just मैंने assign किया था 128 और 128 byte के range में नहीं था, इसलिए requirement किसकी हुई थी उस case में type casting. Same in that case 130 को भी कभी byte type के variables में directly assign करना possible नहीं. इस case में raise किया हुआ compile time error, possible loss of precision found int required byte. लेकिन same assignment perform कराएंगे by using with the help of type casting. इस case में need किया हुई type casting into byte. टाइप कास्टिंग किस डेटा टाइप में होना चाहिए, जिस टाइप के वेरिएबल्स में आप असाइनमेंट परफॉर्म कर रहे हो. इसे एक्स में असाइनमेंट हो रहा है और एक्स का टाइप क्या था, बाइट, इसलिए कन्वर्जन भी किस में कराया मैंने, बाइट में. लेकिन करंट केस प्रीवियस केस में मैंने वैल्यू यूज किया था 128, इस केस में यूज किया मैंने एज ए 130. सगेन इस एग्जाम्पल का टाइप क्या, सेम एज प्रीवियस केस. जैसे इस केस में जावा कमांड के थ्रू एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे इमीडिएटली, इस केस में एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा फ्रॉम मेन फंक्शन. मेन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा एज ए एक्स, यानी एक्स के केस में टोटल बाइट्स कितने एलोकेट होंगे, ओनली 1 बाइट्स और वी कैन से 8 बिट्स. बिट्स के केस में बात करें तो बिट्स कितने एलोकेट हो रहे हैं, 8, लेकिन साइज क्या है, ओनली 1 बाइट. नेक्स्ट वन, उसके बाद आसान क्या कराया मैंने एक्स के फॉर्म में, एक्स इक्वल्स टू टाइप कास्टिंग इन टू बाइट 130, सेपरेट प्लेस पर नोट डाउन करके इसको सॉल्व कर रहा है. तो इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी है, बाइनरी नंबर ऑफ 130. लेकिन ये बाइनरी नंबर 130 का बाइनरी नंबर किस फॉर्म में करा हुआ है, इस वैल्यू का टाइप क्या है, इंटीजर, और इंटीजर का साइज क्या होता है, 4 बाइट और वी कैन से 32 बिट्स. तो याद रखना इसका बाइनरी नंबर भी कितने बिट्स में स्टोर होना चाहिए, 32 बिट्स में. इसे इमीडिएटली सबसे पहले इस 130 को स्टोर करने के लिए मेमोरी में 4 बाइट और 32 बिट्स का टेम्परेरी मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हुआ, टेम्परेरी एलोकेशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइप कास्ट ऑपरेशंस. इस लोकेशन को कंसिडर करोगे एज अ टेम्परेरी प्लेस, प्लस इस टेम्परेरी प्लेस पर आसान क्या कराएं, बाइनरी नंबर ऑफ 130. रियल में बाइनरी नंबर की बात करें तो उसका बाइनरी नंबर क्या होगा, 100. इट इज सिंपली इक्वलेंट टू 128 प्लस 2. इस 1 से क्या रिप्रेजेंट होगा, 128. इस 10 से क्या रिप्रेजेंट होगा, प्लस 2 बिकम्स 128. तो इस केस में जब इस 4 बाइट में असाइन करा हुए, राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट परफॉर्म होगा 100 देन 0010. लेकिन रिमेनिंग बिट्स में इंटीजर्स के बेसिस पर या 32 बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए रिमेनिंग बिट्स में कंसीडर करेंगे डिफॉल्ट वैल्यू 0. जैसे मीनवाइल इंटीजर, यही रीजन था कि मीन्स इस पर्टिकुलर वैल्यू को या इंटीजर नंबर्स को बाइट में डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल नहीं होता. रीजन, इंटीजर मीन्स 32 बिट इन्फॉर्मेशन, मीन्स करेंटली इन्फॉर्मेशन कितने बिट्स के फॉर्म में, 32 बिट्स के फॉर्म में. और आप असाइनमेंट कितने बिट्स में करना चाहते हो, मीन्स अवेलेबल कितने बिट्स में, 32 में. और असाइनमेंट कितने बिट्स में हो रहा है, ओनली 8 बिट्स. तो इस केस में फोर्सफुली असाइनमेंट करा रहे हैं, इसलिए इस 32 बिट्स में से ओनली कितने बिट्स कॉपी होंगे, ओनली राइट मोस्ट 8 बिट्स, मीन्स दैट पार्ट ओनली. प्लस टाइप कास्टिंग के बेसिस पर एज्यूम कर लोगे, मीन्स रिमेनिंग 24 बिट्स डिस्कार्ड हो जाएंगे. ओनली कितना स्पेस बचा आपके पास, दैट मच, मीन्स प्लस इसका डेटा 1x1 और बिट बाई बिट कॉपी किस में जाएगा, एक्स में, 0100001. क्लियर, दिस इज लॉस्ट इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद जब एक्स का वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए ट्राई करोगे तो आउटपुट किस फॉर्म में डिस्प्ले हुआ, डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में. डेसिमल के केस में बात करें, अगेन नंबर का साइन बिट कैसा है, 1, तो साइन बिट 1 है तो इसके इसमें रिक्वायर्ड क्या होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट. इस नंबर का जो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 100 0010, 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इसका, 0111101, दिस इज 1's कॉम्प्लीमेंट. इसमें ऐड कराएंगे 1, देन इसके जस्ट बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इटसेल्फ कंसीडर होगा एज अ 2's कॉम्प्लीमेंट. 1 प्लस 1 इज 0, कैरी इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 1 1 1 1 0, दिस इज द 2's कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट वन, इस 2's कॉम्प्लीमेंट के केस में लास्ट केस में बताया था, जो भी 2's कॉम्प्लीमेंट आया उस 2's कॉम्प्लीमेंट को कन्वर्ट किस फॉर्म में कराएंगे, डेसिमल के फॉर्म में. अगर सारे बिट्स इसके 1 होते देन क्या था, 127, लेकिन लास्ट में से इसमें लेस किया हुआ है 1, तो मीन से इसका मतलब ये बाइनरी नंबर किसका है, 126 का, प्लस साइन बिट मीन से 126 डायरेक्टली आया और आफ्टर 2's कॉम्प्लीमेंट, आफ्टर 2's कॉम्प्लीमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ साइन बिट इज 1, इसलिए साइन कौन सा अप्लाई होगा, माइनस. इस केस में फाइनली प्रिंट एलएन से डिस्प्ले क्या होगा, -126. दिस इज द आउटपुट ऑफ गिवन कोड.